हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21। 1 से 20 तक ऑलरेडी अपलोडेड है और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ बिहार दरोगा मेंस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे सेट उपलब्ध हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें ये आज का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। उसमें टोटल 26 प्रैक्टिस सेट है जिसमें 21 जीके जीएस का और 5 हिंदी का सेट अवेलेबल है। तो हिंदी का भी सेट कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है और एक दो जो बच रहा है वो अपलोड कर दिया जाएगा और ये आज का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद आप लोगों के कहने के अनुसार एडिटोरिया का सेट मैं चलाने के लिए सोच रखा हूँ। तो एडिटोरिया का सेट है वो जो जल्द ही वॉल्यूम 2 उसका मार्केट में आने वाला है, तो वॉल्यूम 2 से ही मैं स्टार्ट करूँगा एडिटोरिया के सेट से। तब तक अभी जो 2-3 दिन का गैप है उस 2-3 दिन में मैं या तो अरिहंत या तो फिर किरण के बुक का सेट चलाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा कोई और सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर किया गया है। देखिए, राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है, जवाहर सागर भी राजस्थान में है और ये जो गंगा सागर जलाशय की बात कर रहा है, गंगा सागर जलाशय मध्य प्रदेश में है और ये सब किस नदी पर निर्माण किया गया है, चंबल नदी पर निर्माण किया गया है। चंबल नदी से याद रखिएगा, चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, क्लियर है। चलिए अगर बात हम नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा से याद रखिएगा यहाँ सरदार सरोवर नर्मदा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पर। कोसी नदी से याद रखिएगा कोसी पर कोसी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो कागज का आविष्कार जो है वो सर्वप्रथम चाइना में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई जनरली आप लोग कभी रेलवे स्टेशन की ओर मूव किए होंगे तो रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा हुआ होता है उस बोर्ड के नीचे देखते होंगे कि लिखा रहता होगा सब जगह समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है वो है 161 फीट, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। समुद्र तल का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि समुद्र के जल की जो ऊपरी सतह होती है उसी को समुद्र तल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। तो जिप्सम का जो प्रयोग है वो क्षारीय मृदा में किया जाता है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जनरली जो क्षारीय मृदा होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 8 से अधिक होता है, ठीक है, और उसमें जो सोडियम विनिमय दर होता है वो 15% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए, 21 से जो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु, वो किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो 61वां ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात 59 संविधान संशोधन की करते हैं तो देखिए यहाँ जो हम अगर 69 की बात करते हैं 59, 65 या और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 69 जो है वो 69 में जो संविधान संशोधन है वो 1991 से है और ये जो संविधान संशोधन है 69 में इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया, ठीक है। अगर हम 65वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की गठन की व्यवस्था की गई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन जो है वो ब्राजील में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। ब्राजील से याद रखिएगा, ब्राजील में जैविक विविधता भी सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। ब्राजील से एक और चीज याद रखिएगा कि ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना कब की है। तो चौरी चौरा की घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 की घटना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनरली एक गोरखपुर जिला के पास एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, उसी में आग लगा दिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी, 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी, ठीक है। और इसी से आघात होकर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या किए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि गांधी जी की, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को फिर इसे आघात होकर स्थगित कर दिया था उन्होंने चौरी चौरा के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है पोंडजोल क्या है। तो पोंडजोल क्या है, पोंडजोल जो है वो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। जो पाइजोलिक मिट्टी होती है उसमें कम शीत और अधिक ग्रीष्म के कारण उसमें जो पाइजोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो भी कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेसन लाइफ थाउट मी अनोंगिंगली इनमें से किन की आत्मकथा है, तो ये अनुपम खेर की आत्मकथा है और ये अनुपम खेर के द्वारा ही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति एक डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड को 24 समय जोन में बांटा गया है और जो देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो देशांतर रेखा ग्लोब पर अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये वही जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीनविच से जो गुजरने वाली जो रेखा होता है उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, जिसको बोलते हैं, तो श्रेष्ठ या कुलीन, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आर्य शब्द जो है वो अर धातु से बना हुआ है जिसका मतलब ही होता है कि संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया है गया हो। ठीक है, मैक्स मूलर, एक आपने नाम सुना होगा, मैक्स मूलर ने यह बताया था कि आर्यों का जो भारत आना था वो मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पम्बन द्वीप स्थित है, तो जो पम्बन द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव बोला जाता है डेनमार्क को, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड को बोला जाता है पवन चक्कियों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र पर सागर की जो लवणता है उसको आइसोहेलाइन से दर्शाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोहेलाइन द्वारा। ठीक है, अगर हम बात आइसोक्लाइन की बात करते हैं तो आइसोक्लाइन चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, आइसोहोल की बात करते हैं तो आइसोहोल सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, और अगर आइसोगोनल की बात करते हैं तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को हम लोग आइसोगोनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुचिंद्रम। ठीक है, ये सुचिंद्रम है कहाँ, अगर हम बात करते हैं सुचिंद्रम की तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात और ऑप्शन की करते हैं, मदुराई की बात करते हैं तो ये पांडव वंश की राजधानी थी, आप लोग पढ़ा ही होगा, और यही मदुराई में मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है, इस मदुराई को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये चिदंबरम की अगर बात करते हैं तो चिदंबरम में गोविंद राज का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, तो देखिए गुड फ्राइडे का मतलब होता है ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था उसी डेट को गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे को साथ ही साथ याद रखिएगा, इसको होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ये सब कहा जाता है। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर आखिर चढ़ाया किसने था वो भी नाम याद रखिएगा, ईसा मसीह को सूली पर एक रोमन गवर्नर था, रोमन का गवर्नर था, उसका नाम था पॉन्टियस, उसके द्वारा चढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु का जो मेन वर्षा का कारण है वो पश्चिमी अवदाब है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध से जो लाभान्वित राज्य है वो है गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बाघ को 1973 में भारतीय राष्ट्रीय पशु घोषित कर लिया गया है। बाघ का एक वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है बाघ का पैंथरा टाइगर्स लिनियायस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, अगर और ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं
संघ राज के बीच शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सब कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड की अगर बात करते हैं तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है। तो संविधान का अनुच्छेद 335 का जो विषय है वो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 335 से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों की नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अभी रिसेंटली याद रखिएगा जो EWS है मैंने स्वर्ण को आर्थिक आधार 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 ये सुमेलित है, जनरल माइकल ओडायर हत्याकांड 1940 सुमेलित है, अलीपुर संयंत्र कांड 1908 सुमेलित है, काकोरी कांड 1927 सुमेलित नहीं है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ है। ठीक है, काकोरी कांड से याद रखिएगा, काकोरी कांड की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रेन का नाम याद रखिएगा जो था 8 Down ट्रेन। ठीक है, इसी ट्रेन की लूट की कहानी है इस काकोरी कांड में। ठीक है, काकोरी कांड से और कुछ चीज़ें याद रखिएगा, काकोरी कांड से क्या आपको याद रखना है कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाकउल्ला खान ये चारों को फांसी की सजा दी गई थी और एक और बची सचिंद्र सान्याल जिनको आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जेबी से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है जीन बैप्टिस्टे। ठीक है, जीन बैप्टिस्टे से ये एक फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा ये उक्ति कहा गया है कि पूर्ति अपनी मांग जो होती है वो स्वयं निर्धारित कर लेती है। एक्चुअली देखा जाए तो मांग और आपूर्ति के बीच क्या है, परस्पर संबंध है। मांग अधिक होता है तो आपूर्ति कम होता है तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर आपूर्ति अधिक होता है तो मांग कम होता है और कीमत घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोलिना प्लिस्कोवा। ठीक है, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है। ठीक है, इटालियन ओपन से एक चीज याद रखिएगा, इटालियन ओपन को रोम मास्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कैरोलिना प्लिस्कोवा जो है वो उन्होंने जोहाना कोंटा को हरा कर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डायनासोर काल से जुड़ा युग है। तो डायनासोर काल से जो जुड़ा युग है वो है मेसोजोइक युग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसको द्वितीय युग भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कितने तापमान पर इंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जनरली जब 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो इंजाइम जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इंजाइम से याद रखिएगा, इंजाइम एक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन को कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1878 में कुल्हे के द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। तो अशुद्ध रक्त जो हृदय में आता है वो हो जाएगा इसका सही आंसर दाहिने आलिंद से। देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है और दाएं निलय में होते हुए फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़े से ऑक्सीकृत होने के लिए जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिने आलिंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये भरतपुर में स्थित है, भरतपुर जो कहाँ है, राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान से याद रखिएगा, राजस्थान में केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। तो उनका एक उपन्यास था सोलो, जो उन्होंने 2010 में लिखा था। इस उपन्यास सोलो के लिए ही उनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। ठीक है, अगर हम बात रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की करते हैं तो इसका स्टार्ट 2011 में किया गया था और सबसे पहले इसको 2012 में अवार्ड किया गया था। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2012 में सबसे पहले बार अवार्ड किया गया था और सबसे पहली बार पंडित रविशंकर को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है। तो इंडिका के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सर्वाधिक जानकारी भी मुझे इंडिका बुक से ही मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है। मेगास्थनीज था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अगर हम बात प्लिनी की करते हैं तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चाणक्य की बात करते हैं तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त करने का वर्ष कब है। तो देखिए, जो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था कि जो भारत का शासन है वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया है, ठीक है, यह सौंप दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसी में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जनरली जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंग भंग जिसको बोलते हैं, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग पर बल दिया गया था। जनरली जो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र बंगाल संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। किसमें? मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को कि स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र बंगाल संजीवनी में 1905 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स से याद रखिएगा, इन्होंने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। लेलिन से याद रखिएगा कि लेलिन ने चेका का संगठन किया था, पुलिस संगठन, ठीक है। और स्टालिन को क्या बोला जाता है? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो हड़प्पा संस्कृति है वो कासयुगीन काल से संबंधित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। आप लोगों को पता ही भी होगा कि हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदड़ो से एक कास की नृत्यांगना की प्रतिमा भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो फिर उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवालोपनिषद से हम लोगों को कहां मिलती है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस वंश के शासक ने छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया था। तो छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? शको के शासनकाल में प्रयोग किया गया था, शको वंश के शासकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। शको से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखना होगा कि शको पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत का स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबुरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबुरुनी ने ही किया था, ठीक है। अलबुरुनी जनरली भारत में 1027 तक निवास भी किया है,
ठीक है। अगर हम बात महमूद गजनबी की कर लेते हैं तो इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण था, ठीक है। और इसका जो अंतिम आक्रमण था देखिए वो था 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम आक्रमण उसका क्या था, लोग उसको सोमनाथ मंदिर आंसर लगा के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, जो उसका अंतिम भारतीय आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। महमूद गजनबी से एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी से और बहुत सारी चीज़ें याद रखने होंगे आपको। अब देखिए याद क्या क्या आपको रखने होंगे। पहला याद रखना होगा कि उसने घोड़ा धागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत करवाया था, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि इसने भू राजस्व की जो दर थी उसको बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। तीसरा, इसने जो खम्स होता है, खम्स का मतलब होता है जो लूट के जो धन लाया जाता था, तो जो लूट का जो धन होता है उसमें सुल्तान का हिस्सा जो था वो 1/4 से बढ़ाकर इसने 3/4 भाग कर दिया था, ठीक है। 1/4 भाग के जगह पर क्या कर दिया था, 3/4 भाग कर दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक और चीज़ किया था, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन किसको भेजा था, तो वो आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है। तृतीय हिंद का मतलब होता है कि भारत का तोता, तो भारत के तोता का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अमीर खुसरो से याद रखिएगा इसका जो मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन, ठीक है। साथ ही साथ अमीर खुसरो से एक चीज़ याद रखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा सूफी संत का, निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया का ही था अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 ईस्वी में इवाद खाना धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर में किया था, ठीक है। देखिए 1575 में दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक कब किया था, तो 1575 में इसने इवाद खाना की स्थापना की थी, लेकिन उस समय सब धर्म के लोग को जाने के इसमें परमिशन नहीं था, अलाउ नहीं था। फिर 1578 में मतलब 3 वर्ष बाद से सभी धर्म के लोग को यहाँ जाने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। अकबर से एक चीज़ याद रखिएगा कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने क्या अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, और फिर इसके 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है अकबर की, और इसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के टाइम में ही रूप चित्र का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है। अकबर से एक चीज़ याद रखिएगा कि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था अब्दुर समद, ठीक है। साथ ही साथ इसके दरबार में और चित्रकार रहते थे जिनका नाम था दसवंत, बसावन, ये सब नाम के और चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन तो आप लोगों को पता ही होगा कि तानसेन भी अकबर के दरबार में ही रहता था, ठीक है। अकबर से कुछ और चीज़ें जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो मैं एक दो पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। 1562 में इसने दास प्रथा को ख़त्म किया था, याद रखिएगा। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और 1582 में इसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिवराव भाऊने, ठीक है। देखिए पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊने ही किया था। विश्वासराव की अगर बात करते हैं तो ये पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र था, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का मतलब था, लेकिन वास्तविक सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने ही किया था, ठीक है। ये कौन था, सदाशिव भाऊ, ये पेशवा का भाई था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर बात करते हैं तो ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से हरा दिया था, ठीक है। और अगर पानीपत की दोनों युद्ध की बात करते हैं तो पहला हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले ले, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, गांधी जी से एक चीज याद रखिएगा, गांधी जी को हिंसा के मार्ग पर चलते थे लेकिन उनका यह कहना था कि सत्य के लिए हिंसा गांधी जी को मंजूर था। ठीक है, साथ ही साथ एक और लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी गांधी जी ने कहा था, वो लाइन मैं आप लोगों के सामने रिपीट बोल रहा हूं कि यातना की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद यातना सहना मानव और ईश्वर दोनों के लिए अपराध है, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अगर बात करते हैं तो यहां से याद रखिएगा यहां प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। कानपुर अधिवेशन 1925 की बात करते हैं तो यहां प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। और लाहौर 1929 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, सह्याद्री की अगर बात करते हैं तो सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको बोलते हैं कालसुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सूर्योच्च एप्लीहोन के समय पृथ्वी के सूर्य से कितनी दूरी होती है। देखिए दो चीज याद रखिएगा, एक होता है एप्लीहेलियन, जिसको एप्लीहेलियन को हम लोग बोलते हैं अप्सौर, ठीक है, और एक को बोलते हैं पेरिहेलियन, जिसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, अप्सौर में क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है, और उपसौर में क्या होता है कि मिनिमम होता है, जिसको हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक है, तो अप्सौर में होता है 15.2 किलोमीटर और उपसौर में होता है 14.7 किलोमीटर। अप्सौर जो होगा वो 4 जुलाई को होता है और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में, एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है टुंड्रा क्षेत्र में, तो एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या बोला जाता है। तो इग्लू बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक से एक चीज याद रखिएगा कि इस पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन 3 तरीकों से किया जाता है, अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है और साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 माह के द्वारा। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसको संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाए तो वह पुनः 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो। तो जब तक उसको लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक वो मंत्रिपरिषद पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और मंत्रिमंडल की एक अध्यक्ष होता है जो कि कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आप लोग एक नाम सुने होंगे अनुच्छेद 74, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को अनुच्छेद 74 से याद आ रहा होगा कि अनुच्छेद 74 के अनुसार ही राष्ट्रपति को उसको कार्यों और संपादन के सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगर हम बात मंत्रिपरिषद की करते हैं तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करना पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख हमें मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति दो सदनों का सदस्य एक साथ कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो किसी एक सदन से उसको 14 दिनों के अंदर त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, यहाँ का मतलब दो निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित होता है तो 14 दिनों के अंदर एक निर्वाचित क्षेत्र से त्याग देना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं चीज बताता हूँ, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत यदि सभापति, ठीक है, मतलब स्पीकर जो होता है, उसकी अगर अनुमति मिल जाए तो संसद का जो सदस्य है वो हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त अपने मातृभाषा में भी अपनी अभिव्यक्ति अपने बात को रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। ठीक है, और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अधीन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। न्यूटन की अगर बात करते हैं तो न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे। गैलीलियो की अगर बात करते हैं तो गैलीलियो ने ही बताया था कि सूर्य का जो निकटवर्ती तारा होता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और कोपरनिकस की अगर बात करते हैं तो कोपरनिकस ने ही सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है वसीन पुरस्कार दिया जाता है, तो वसीन पुरस्कार जो है वो वसीन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विशिष्ट योगदान हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी जो है विज्ञान क्षेत्र वो हमारा सही आंसर है। और वसीन पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1987 में हुआ था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो सन 1961 में प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और अर्जुन पुरस्कार में 5,00,000 रुपया, ठीक है, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है पिनाक है, पिनाक क्या है, पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, ये DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, DRDO के द्वारा ये डिजाइन किया गया है 1986 में, और इसका जो उत्पादन है वो 1998 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पिनाक एक शिव के जी का धनुष का भी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो ये आप लोग खेल और शब्दावली पढ़े होंगे, तो खेल और शब्दावली में पढ़े होंगे कि एक फ्री थ्रो लाइन जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात बास्केटबॉल की करते हैं तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। ठीक है, देखिए, अगर हम बात वॉलीबॉल की कर लेते हैं तो वॉलीबॉल से कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे नेट फॉल्ट, सर्विस, हुक, रोटेशन, ये सब का संबंध वॉलीबॉल से है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, मैच पॉइंट, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्रिकेट से आप लोगों को सब कुछ पता ही है, ऐसे चाइना मैन, कवर, स्ट्रॉक, शॉर्ट पिच, ये सब किससे है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो गुलाब जो है वो तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसको हम लोग कलम लगाना भी कहते हैं, जनरली गुलाब के डंठल को काट के हम लोग दूसरे जगह इसको लगा देते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जी का मान, तो जी का मान इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। देखिए, जी के मान से याद रखिएगा
क्या क्या चीज जो मैं बोलता हूँ, पृथ्वी जी का जो मान है वो पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जी का जो मान है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, जी का मान जो है वो मैक्सिमम ध्रुव पर होगा, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होगा, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी जो है जिसका उद्गम भारत में है। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्भव है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से है और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहे कि भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। तो देखिए CaO का मतलब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो CA का हो जाएगा 40 और O का हो जाएगा 16, तो 40 प्लस 16 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और CaO से आप लोगों को पता ही होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूक लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फेफड़े में देखिए ऑक्सीजन और CO2 गैसों का विनिमय होता है और उनके दाब के अंतर के, देखिए मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि फेफड़े में जो ऑक्सीजन और CO2 गैसों का जो विनिमय होता है उनके दाब के अंतर के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं के। ठीक है, ये पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा थैलोसीमिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ये अनुवांशिक विकार है। अगर हम रतौंधी की बात करते हैं तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगर एनेमिया की बात करते हैं तो ये एनेमिया का मतलब होता है रक्त क्षीणता, जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के ब्लैंक हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। तो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड से और याद रखिएगा राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात सिक्किम की करते हैं तो सिक्किम से याद रखिएगा खांचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10H2O। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O, तो इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। तो ये होता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अगर हम बात K2CO3 10H2O की करते हैं तो ये है पोटेशियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 की बात करते हैं तो ये है सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 की बात करते हैं तो इसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, तो जिससे ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा मेहनत आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी हिंदी का भी वीडियो अपलोडेड है, धीरे धीरे 5-6 हिंदी का अपलोड कर दिया जाएगा। मैथ्स का बहुत सारे लोगों का क्यूरीज था मैथ्स, तो मैथ्स जो है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया गया है। ना ही सिर्फ बिहार दरोगा मेंस, और सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे अगर वो आप मैथ्स का चैप्टर देख लीजिएगा। तो पूरा स्टार्टिंग से आप लोगों को सारे टाइप्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी उसमें परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो टॉपिक के पूरे वीडियोज अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो वहाँ। साथ ही साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाया जा रहा है, वो डेली बेस पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो, वहां से आप लोगों को डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है जो बेंगलुरु में स्थित है, और कॉफी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1942 में।
ठीक है। कुछ और बोर्ड्स हैं जिनके मुख्यालय आपको याद रखने होंगे, जैसे कि टी बोर्ड है, टी बोर्ड का मुख्यालय है कलकत्ता में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है गुंटूर में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय है कोची में। जूट बोर्ड का भी है कलकत्ता में। तो ये सारे कुछ बोर्ड है, उनका मुख्यालय आप एक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि गति का प्रथम नियम ब्लैंक की परिभाषा देती है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो बताता है एफ बराबर एम ए, तो बल की परिभाषा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन गति के तीन नियम दिए थे और इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में गति का नियम दिया था, ठीक है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है। तो जो ग्रैंड स्लैम शब्द है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ध्वनि ब्लैंक का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है, मैकेनिकल एनर्जी का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, ठीक है। ध्वनि से कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुधैर्य तरंग है, ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है और ध्वनि पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जबकि दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की जो चाल होती है वो लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को ब्लैंक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अभी केंद्रीय बल का अगर अभाव होगा तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही जुआ वस्तु जिसका घनत्व किसी द्रव से कम है वो उस द्रव पर बिना डूबे तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। गोताखोर जी हो वो सोनार का प्रयोग ही करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण। तो ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण का सबसे अधिक संवेग होगा, गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता की बात करते हैं तब गामा किरणें का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्र धातु किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO होता है, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था, आज ये हम लोगों ने फिनिश कर रखा है। अब कल से हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ। एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 तारीख ऑनवर्ड से, और उसके पहले जो अभी इधर 3-4 दिन का गैप है इसमें मैं किस अरिहंत का या फिर किरण के बुक का सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर इसके अलावा किसी और बुक का आप लोगों को सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग मार्क्स अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, आप लोग कम से एटलीस्ट इसको प्रॉपर ढंग से बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।